गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिलीप विश्वकर्मा, प्रवक्ता शिवम अग्रवाल, मेमोरियल डिग्री कॉलेज, आज आप सभी लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में चर्चा करना है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत के में एक टॉपिक है जिसका नाम है शिक्षण की प्रविधियां, यानी टेक्निक ऑफ टीचिंग क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करना है। शिक्षण प्रविधियां क्या होती हैं? शिक्षण प्रविधियों के बारे में पहले आप लोगों को बताता हूं कि शिक्षण प्रविधियां होती क्या है। शिक्षण प्रविधियां यानी प्रत्येक शिक्षक अपने अपने ढंग से शिक्षण कार्य कराता है और वह विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन एवं कुशल समायोजन के लिए विषय एवं कक्षा की परिस्थितियों के अनुसार अपना शिक्षण प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। परंतु एक कुशल शिक्षक के लिए यह आवश्यक होता है कि परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण विधियों के चयन में बहुत अधिक जागरूक रहे, क्योंकि आज के छात्र निष्क्रिय रहकर एक तरफा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यानी आज के छात्र जो हैं वो सभी लोग एक तरफा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होते। अतः जब शिक्षक अपने शिक्षण को छात्रों के स्तर का रुचिकर बोधगम में तार्किक एवं सरलता से सरल बनाता है, तभी वह अपने कक्षा शिक्षण में सफल होता है। यानी जब आप अपने कक्षा को सरल बोधगम या तार्किक बनाएंगे तभी शिक्षण में सफल होंगे, अन्यथा नहीं। तो ये है जो है शिक्षण प्रविधियां क्या होती हैं। अब शिक्षण प्रविधियों के उद्देश्य यानी शिक्षा प्रविधियों के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। शिक्षण प्रविधियों के उद्देश्य जैसे छात्रों को विषय सामग्री आसानी से समझ सके, यानी छात्रों को विषय सामग्री आसानी से समझा सके, ऐसा यह है मेन उद्देश्य। दूसरा, ज्ञान का संप्रेषण सरल बनाने के बारे में जान सकें। तीसरा है, शिक्षण को रुचि कर कैसे बनाया जा सकता है। अगला है, ज्ञान अर्जन को प्रभावशाली एवं अस्थाई बनाए जाने के बारे में जान सकें। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षण प्रविधियों का सशक्त माध्यम होती हैं। यानी ये शिक्षण प्रविधियों के उद्देश्य हैं। इस उद्देश्य में अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रविधियों की जानकारी से ही शिक्षक का शिक्षण कार्य सफल हो जाता है। शिक्षक का कब सफल होता है? जब वो किसी भी प्रविधियों की जानकारी से शिक्षक का शिक्षण कार्य जो है सफल हो जाता है। तो ये आपका है जो है शिक्षण प्रविधियों के उद्देश्य। अब मैं बात करता हूं कि जैसे जो शिक्षण की विभिन्न प्रविधियां एवं उपयोगिता, इनकी उसकी उपयोगिता कैसे आप कर सकते हैं। शिक्षण की विभिन्न प्रविधियां जो हैं, कौन कौन सी प्रविधियां हैं आपको यहां पर दिख रहा है, कौन सी प्रविधियां हैं और उनकी उपयोगिता कैसे करना है, इसके बारे में बताता हूं। शिक्षण प्रविधियां कौन कौन सी हैं, जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल आबलिक गतिविधि प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि। ये जो है शिक्षण की विभिन्न प्रविधियां हैं और उनकी उपयोगिता क्या होती है। अब एक एक प्रविधियों के बारे में हम उसकी उपयोगिता के बारे में बताता हूं। जैसे पहली आपकी शिक्षण प्रविधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि। यानी प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या होती है? प्रश्नोत्तर प्रविधि यानी प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों से प्रश्न पूछा करते थे और शिष्य भी अपनी शंकाओं का समाधान गुरु के से प्रश्न पूछकर समाधान कर लेते थे। यानी टीचर जो है अपने बच्चों से प्रश्न पूछते थे और बच्चे भी जो भी उनकी शंका होती थी प्रश्न पूछकर टीचर से उसका समाधान कर लेते थे।
यूनानी दार्शनिक सुकरात सुकरात ने भी अपने शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का को अपनाया है, यानी उन्होंने भी अपने जो भी शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि को अपनाया है। साथ में प्रश्नोत्तर प्रविधि के सोपान, जो प्रश्नोत्तर प्रविधि के सोपान होते हैं, जैसे पहला है प्रश्नों को सुव्यवस्थित रूप से निर्मित करना, यानी प्रश्नों उत्तर प्रविधि के सोपान में पहला प्रश्नों को सुव्यवस्थित रूप से निर्मित करना, दूसरा है प्रश्नों को समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना जिससे नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो। यानी आप जब प्रश्नों को समुचित रूप से छात्रों के सामने रखें तो उसमें ऐसा रखें कि उसमें नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो, वो जाने कि इसमें आगे क्या होने वाला है नया, जिससे उत्सुकता जागृत हो और वो उसको पढ़ें। तो ये आपका जो है, तो अगला पॉइंट आपका है छात्रों के माध्यम से अपने संबंध स्थापित करते हुए उनमें नवीन ज्ञान प्राप्त करना है। यानी छात्रों से आप जो है के माध्यम से अपने संबंध स्थापित करते हुए उनको नवीन ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये जो है आपको प्रश्नोत्तर प्रविध के सोपान हो गए। अब अगला है प्रश्नोत्तर प्रविध की विशेषताएं, यानी प्रश्नोत्तर प्रविध की विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना है। जैसे नंबर एक विशेषताएं कि छात्र सक्रिय हो जाते हैं तथा उसमें उत्सुकता जागृत होती है। जो प्रश्नोत्तर प्रविध है इसकी मेन विशेषता यह है कि इसमें छात्र जागृत हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे कभी भी टीचर कुछ भी प्रश्न कर सकता है, तो वो हमेशा जागृत रहते हैं और उनमें उत्सुकता भी जागृत होती है कि अगर हमसे कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, छात्रों में विचार तथा चिंतन की शक्ति विकसित होती है। जो छात्रों के अंदर विचार करने की और चिंतन की शक्ति विकसित होने लगती है, चिंतन करने की और विचार करने की। अगला है छात्रों में विशिष्ट समस्याओं तथा कठिनाइयों का ज्ञान हो जाता है। जो छात्र हैं उनमें विशिष्ट समस्याओं या कठिनाइयों का ज्ञान हो जाता है कि क्या समस्या है या कठिनाइयां हैं, उसका ज्ञात भी हो जाता है इसके उद्देश्य विशेषताएं में। अगला है छात्रों की कुल ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच होती है। प्रश्नोत्तर प्रविधि में छात्रों की कितना ज्ञान उनके पास है और कितना अर्जित ज्ञान किया है उसके बारे में भी जांच यानी पता चल जाता है। अगला है छात्रों को अपने ज्ञान का प्रयोग और प्रदर्शन का अवसर मिलता है। छात्रों को अपने ज्ञान और उसके प्रदर्शन का अवसर भी मिलता है, अपने ज्ञान का प्रयोग भी कर सकते हैं और क्लास में प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर प्रविध की विशेषताएं हैं। अब अगला जैसे उसी में है प्रश्न पूछने के सिद्धांत, यानी प्रश्नोत्तर प्रविध में एक है प्रश्न पूछने के सिद्धांत, यानी प्रश्न की भाषा स्पष्ट व सरल हो तथा संक्षिप्त उत्तर वाले हों। जब आप कोई भी प्रश्न बच्चों से पूछें तो उसकी जो भी भाषा हो स्पष्ट होनी चाहिए और सरल हो और संक्षिप्त उत्तर वाले हों, यानी उत्तर छोटे उत्तर वाले हों, ये नहीं कि बहुत बड़े उत्तर वाले हों जिसको बच्चा बता न पाए। दूसरा, प्रश्न निश्चित क्रम में हो तथा वे विचार शक्ति को उत्तेजित करने वाले हैं। जो प्रश्न हो वो निश्चित क्रम में होने चाहिए और उस विचार को उत्तेजित करने वाले भी होने चाहिए। तो अगला पॉइंट, प्रश्नों का विवरण कक्षा में समान रूप से किया जाए। जो आप प्रश्न जो भी पूछें या दें बच्चों को, सभी बच्चों को एक समान रूप से प्रश्नों का विवरण करना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछने के सिद्धांत में बताया गया है। फिर उसी में अगला पॉइंट है, प्रश्न नम्रता पूर्वक पूछे जाए। जो प्रश्न है उसको नम्रता पूर्वक पूछे जाए जिससे बच्चे उत्तर देने में भय का अनुभव न कर सके, जिससे बच्चे उत्तर देने में भय का अनुभव न कर सके। क्योंकि अगर बच्चे डरेंगे, उत्तर देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो जो है आपका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछे जाए जिससे बच्चे आसानी से उसका उत्तर दे दें। अगला पॉइंट उसी में है, प्रश्न पूछते समय छात्रों की योग्यता एवं क्षमता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। आप जब भी प्रश्न पूछें तो उस समय उनकी योग्यता एवं क्षमता का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि
उनकी योग्यता क्या है या उनकी क्षमता क्या है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछने चाहिए। अगला पॉइंट, प्रश्न पूछने का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। जो भी प्रश्न पूछे उसका कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने पढ़ा प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या हैं और प्रश्न पूछने के सिद्धांत क्या होते हैं। अब अगला टॉपिक आपका है विवरण प्रणाली। विवरण प्रणाली क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। विवरण प्रणाली आप आम भाषा में आप कह सकते हैं, विवरण का अर्थ है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। विवरण कहानी कहने का एक रूप है। विवरण देने का उद्देश्य यह होता है कि छात्रों के मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र बनाना। जब आप किसी घटना का वर्णन करें यानी विवरण दें तो समझिए कि छात्रों के अंदर एक मानसिक चित्र बन जाए जिससे कि छात्र विषय वस्तु को पूरी तरह समझ सके, जिससे बच्चे उस विषय को पूरी तरह समझ सके। वस्तु का विवरण देना एक कला है। किसी भी वस्तु का विवरण देना एक कला माना जाता है। इस कला में निपुण होने के लिए शिक्षक अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए किसी वस्तु या घटना का विवरण इतने उत्साह तथा प्रभावशीलता के साथ करता है कि कक्षा के सभी छात्रों को उसका ज्ञान सफलतापूर्वक हो जाता है। यानी शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है, इसलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये आपका हो गया विवरण प्रणाली। यानी विवरण प्रणाली में कैसे छात्रों के सामने आप किसी का विवरण या घटना का वर्णन करेंगे कि उनके मस्तिष्क में चित्र बन जाए। तो अब इसमें उसी में है विवरण प्रविध का प्रयोग। यानी विवरण प्रविध का प्रयोग आप कैसे करते हैं। विवरण प्रविध का प्रयोग जो है हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। जैसे आपका प्रस्तावना के बाद पाठ को विकसित करते समय जब हम कोई भी प्रस्तावना के बाद कोई प्रस्तुत करते हैं तो विभिन्न स्थलों पर प्रकाश डालने के लिए ध्यान देना, विभिन्न स्थलों पर उसको ध्यान दिया जाए। साथ में पाठ की रोचकता बनाए रखने के लिए पाठ की संप्राप्ति पर ध्यान देना। साथ में यह प्रविधि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के शिक्षा में उपयोगी मानी जाती है। यह विधि सबसे ज्यादा उपयोगी आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में मानी जाती है। तो अब विवरण प्रविध को प्रभावशाली बनाने के उपाय, यानी विवरण प्रविध को प्रभावशाली बनाने के उपाय क्या है। विवरण प्रविध को प्रभावशाली बनाने के उपाय, तथ्यों तथा भाषा की दृष्टि से विवरण में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होना चाहिए। यानी जो भी तथ्य आपके सामने हो या भाषा की दृष्टि से विवरण में जब आप विवरण दे रहे हैं तो किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक ये उपाय हो गया। दूसरा, विवरण देते समय श्रव्य दृश्य सामग्री का भी समुचित प्रयोग करना चाहिए। जब आप कोई भी विवरण दें तो उसमें श्रव्य द्रव्य सामग्री जो भी है उसका समुचित प्रयोग करना चाहिए। तो एक आपको इसके उदाहरण भी कुछ दिए गए हैं। जैसे उदाहरण आपको कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, ताजमहल आदि के बारे में बताना है तो कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, किस लिए प्रसिद्ध है, वह विवरण कैसे करना है, विवरण की उपयोगिता, अनुभवों को मूर्त रूप, बोध विस्तार, तथ्यात्मक ज्ञान, मानसिक क्षमता, ध्यान केंद्रित, तो ये सब इसके बारे में आपको बताया गया है। साथ में जो है विवरण प्रविधि से विभिन्न या शिक्षण करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। वो सावधानियां कौन कौन सी हैं आप लोगों को बताई दिया है कि विवरण विषय वस्तु संबंधित हो, जो विवरण हो विषय वस्तु संबंधित हो, विवरण सरल एवं स्पष्ट हो, सरल भी होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, विवरण चित्र, मॉडल, श्याम पट के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, जो भी विवरण हो उसको चित्र या मॉडल के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, विवरण अत्यधिक रूप से बड़ा ना हो, बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा है तो उसको खंडों में होना चाहिए, साथ में विवरण छात्र स्तर के अनुकूल हो,
जो छात्र के लिए हो। विवरण के अंत में एक दो प्रश्न पूछकर छात्रों की अधिगम को पता लगाया जा सकता है। अब जैसे वर्णन, अब ये हो गया आपका विवरण प्रविधि, तो विवरण प्रविधि के बारे में आप लोगों ने जाना है, इसके पहले प्रश्नोत्तर प्रविधि और विवरण प्रविधि। अब आपको, आप लोगों को अगला जो है व्याख्यान प्रविधि क्या होती है इसके बारे में बताते हैं कि व्याख्यान प्रविधि क्या होती है। व्याख्यान प्रविधि यानी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ना व्याख्यान देना कहते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक कक्षा में व्याख्यान देते हैं और विद्यार्थी सुनते हैं। इस विधि का प्रयोग उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जटिल एवं कठिन विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट, सुगम तथा बोधगम बनाने के लिए व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो व्याख्यान यानी किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर जटिल विषयों को समझाने के लिए एक तथा उच्च स्तर पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि जैसे समास को लें, इसे समझना, तो समास दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस अस, समाज, सम का अर्थ होता है समीप, पास, और अस का अर्थ होता है बैठना। जिस क्रिया में संपेक्षीकरण किया जाए या दो या अधिक शब्दों को मिलाकर लिखा जाए उसे समासिक पद कहते हैं। तो ये यानी जो व्याख्यान प्रविधि होती है उसमें यानी व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग या उद्देश्य किसी भी विषय वस्तु के भाव को स्पष्ट करना होता है, जिससे बालक किसी वस्तु को अच्छी तरह से समझ सके। जैसे व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग, अगर हम व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जो है ज्यादा व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग किया जाता है मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे सामाजिक विषय में तथ्यात्मक एवं सूचनात्मक प्रकरणों के संबंध में, यानी सामाजिक विषय में आप तथ्यात्मक एवं सूचनात्मक प्रकरणों के संबंध में बता सकते हैं। साथ में भाषा शिक्षण में कठिन शब्दों, कठिन अंशों एवं वाक्यों को स्पष्ट करने में, किसी भी कठिन शब्दों या कठिन अंशों या वाक्यों को स्पष्ट करने में। अगला गणित एवं विज्ञान में, यानी कठिन सूत्रों को बोधगम बनाने में, ये गणित और विज्ञान में आप कर सकते हैं। साथ में व्याख्यान प्रयोग की विधियां, जो व्याख्यान प्रयोग की विधियां होती, जैसे भाषांतर यानी मातृभाषा में समझना, परिभाषा शब्दों के अंतर स्पष्ट करने के हुए परिभाषा देना, अभिनय यानी क्रियात्मक शब्दों का अर्थ समझने के लिए क्रिया का अनुभव करना, जो है स्पष्टीकरण, कठिन शब्दों के अर्थ सरल भाषा को समझना, तो ये। और अगला है तुलना, कठिन शब्दों की उनके समान या असमान अर्थों वाले शब्दों की तुलना करना, तो ये जो है आपके व्याख्यान प्रविधियों की विधियों में आती है। तो व्याख्यान प्रविधियां के लाभ यानी विधि से लाभ क्या होता है उसका बताया गया है कि जटिल व शुरू विषय का ज्ञान, विषय का सरलीकरण, स्वाध्याय की भावना, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान। तो आज आप लोगों को शिक्षण की विधियां या प्रविधियां क्या होती हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तीन प्रविधियों के बारे में आप लोगों को बता दिया हूं और इसके आगे की जो प्रविधि हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।